हूँ। 27 साल पहले एक फौजी ने वादा किया था कि वो वापस आएगा। उसी वादे को पूरा करने हिंदुस्तान की मिट्टी को अपना सलाम कहने आ रहा है फिर से। बॉर्डर 2। जरा सोचिए, जब बॉर्डर फिल्म 1997 में आई थी तब इस फिल्म का बजट 10 करोड़ रुपए था और उस साल इसने 65 करोड़ रुपए की कमाई की थी, यानी उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ये फिल्म बन गई थी। तो इस बार बॉर्डर 2 का बजट क्या होगा, क्योंकि सन्नी पाजी की फीस ही बॉर्डर 2 में लगभग 50 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बाकी इस फिल्म में अन्य कलाकार वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और सुनील शेट्टी के बेटे आहान शेट्टी भी उनके पलटन में आपको नजर आने वाले हैं। तो आइए नजर डालते हैं बॉर्डर 2 की अपडेट के बारे में। दुनिया की तारीख शाहिद है कि मरकर किसी ने लड़ाई नहीं जीती, लड़ाई जीती जाती है दुश्मन को खत्म करके। दोस्तों, बॉर्डर 2 फिल्म की कहानी लिखी है जेपी दत्ता की बेटी निधि दत्ता ने और इस फिल्म की शूटिंग नवंबर महीने में शुरू हो जाएगी। बॉर्डर 2 के डायरेक्टर अनुराग सिंह और उनकी टीम ने शुरुआती लोकेशन जम्मू और कश्मीर तय की है शूटिंग के लिए। दोस्तों, बॉर्डर 2 के मेकर्स चाहते हैं कि इस फिल्म को असली लोकेशन पर शूट किया जाए ताकि फिल्म में ड्रामा और एक्शन दोनों रियल लगे। उनका मानना है इससे फिल्म के रियलिटी के करीब दिखेगी और फिल्म में बनावटीपन नहीं लगेगा। फिल्म की शूटिंग कुछ हिस्सों में आर्मी के इलाकों के पास शूट की जाएगी। आपको बताना चाहेंगे, बॉर्डर 2 को बड़े बजट के साथ बनाया जा रहा है। मुमकिन है कि आने वाले महीनों में बाकी के नाम भी अनाउंस करेंगे। बॉर्डर 2 की रिलीज डेट की बात करें तो ये फिल्म आपको 23 जनवरी 2026 को सिनेमा हॉल में रिलीज होती हुई नजर आएगी। तो दोस्तों, बॉर्डर 2 की अपडेट के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आप इस फिल्म के लिए कितना एक्साइटेड हैं। पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही।